जंगल का राजा शेर अलवर के सिरिस्का में 1.5 साल से पिंजरे में बंद है। मैं इस समय अलवर के सिरिस्का में मौजूद हूँ। यहाँ बाघ ST6 करीब 1.5 साल से एंक्लोजर में है। बड़ा ही सुनने में ये अलग मामला है, लेकिन ये सही घटना है। दरअसल बाघ ST6 बुजुर्ग हो चुका है। उसके पैर में घाव हो गया था, जिसके बाद उसका इलाज किया गया व सिरिस्का प्रशासन की तरफ से उसको एंक्लोजर में रख दिया गया। अक्टूबर के महीने में ये कैमरा ट्रैप में कैप्चर हुआ था कि उसके पीठ के पीछे घाव है। उसके बाद उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया गया और नवंबर फर्स्ट वीक में जब उसको ट्रैंकुलाइज करके इलाज किया गया, तब ये लगा कि इसको उसकी ड्रेसिंग और उसकी ज़्यादा उपचार की आवश्यकता है। तो उसके तहत डॉक्टर्स की राय पर उसको यहाँ पर जो टाइगर रिलीज के सॉफ्ट एंक्लोजर बने थे उसमें रखा गया। उसके बाद करीब 1.5 महीने तक उसका रेगुलर ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक्स चली, उससे उसके गाँव में ठीक हुआ। उसके बाद उसको छोटी छोटी कुछ समस्याएं चलती रही, जैसे पाँव में उसके का तकलीफ थी। और पहले हम जयपुर से और सवाई माधोपुर से डॉक्टर बुला के उनकी जांच भी कराई। उसके बाद कंटिन्यू जो जैसा आप पूछ रहे थे कि उसका, तो हर 15 दिन में जो हमारे यहाँ डॉक्टर पोस्टेड हो गए हैं वो आकर उसको देखते हैं और उसका जाँच करते हैं, क्योंकि ओल्ड एज हो गई है तो उसका मूवमेंट अब बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया। ना तो खाने का सवाल है, उसको मील बफेलो काफ़ी देते हैं और तकरीबन 7 दिन में एक दिया जाता है। और रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए जो स्टाफ जो वहाँ लगे हों, जो मॉनिटरिंग टीम है ST6 की, वो रेगुलर मॉनिटरिंग करती है। इसके साथ साथ RO सदर और मेरे द्वारा भी इसकी देखरेख बार की जाती है, उसकी जानकारी ली जाती है। इसकी एज कितनी हो गई होगी सर, और कितने बाघ की एज का क्या रेशियो रहता है? कितनी एक्चुअली एवरेज जो वाइल्ड लाइफ में मेल की होती है 12 से 15 मैक्सिमम चली जाती है, 12 से 15 साल ही रहती है। इसकी भी उम्र लगभग 15 साल हो गई है, क्योंकि 2006 का इसका बर्थ है और ये लगभग 15 साल इसकी उम्र हो गई है। तो अपनी पूरी आयु के करीब करीब ये वाइल्ड में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इस बाघ के खाने की व्यवस्था भी अब सिरिस्का प्रशासन की तरफ से की जाती है। इसके अलावा हर 15 दिनों में डॉक्टर इस बाघ की जांच पड़ताल करते हैं व लगातार टीम इसकी मॉनिटरिंग करती है। अलवर के अलावा प्रदेश के 2 अन्य जगहों पर इसी तरह से बाघ एंक्लोजर में बंद हैं। पूरे प्रदेश की 3 सेंचुरियों में 3 बाघ अलग अलग जगहों पर पिंजरे में बंद हैं। ETV भारत के लिए अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।